आजमगढ़ के डीएम का निर्देश 48 घंटे में बाढ़ से क्षति का सर्वे करके जल्द दे रिपोर्ट। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने गुरुवार को सगड़ी तहसील में बाढ़ से प्रभावित गांव के प्रधानों लेखपालों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने राजस्व स्वास्थ्य पशुपालन विभाग पीडब्ल्यूडी बिजली विभाग कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि दवाओं की उपलब्धता और पुल सड़क आदि की मरम्मत जल्द से जल्द कराएं। उन्होंने एसडीएम सगड़ी को निर्देशित किया जितने भी सीएससी सेंटर हैं उन पर जांच कर ले कि सांप काटने के इंजेक्शन व दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है या नहीं। लगाकर 48 घंटे के अंदर बाढ़ से हुए नुकसान की क्षति की सर्वे का रिपोर्ट। उन्होंने पशुपालन विभाग के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार पांडे को निर्देशित किया कि क्षेत्र में भूसा की कमी हुई है उसको उपलब्ध कराएं। गांव में टीम लगाकर पशुओं का टीकाकरण कराएं। पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग के लोग गांव में जाकर पेट्रोलिंग करते हुए सर्वे करें। बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कें पुल को ठीक कराएं ताकि आवागमन सुगम हो सके। गांव में हैंडपंप और स्कूल को ऊंचा कराने की आवश्यकता है। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से प्रधान व ANM गांव में दवाओं का छिड़काव कराएं। DPRO को निर्देशित करते हुए कहा कि गांव में सफाई कर्मी दवाओं व ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते हुए लोगों को जागरूक करें कि लोग उबले हुए पानी को पिए जिससे कि बीमारियों को रोका जा सके। महाराजगंज हरैया अजमतगढ़ के खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि मनरेगा द्वारा एक प्रस्ताव बनाकर भेजें जिससे कि बांध का चौड़ीकरण कराया जा सके। इस अवसर पर CDO आनंद कुमार, CVO डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार पांडे, CMO IAN तिवारी, SDM राजीव रतन सिंह, तहसीलदार शक्ति प्रताप, अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड दिलीप कुमार आदि मौजूद रहे।